हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बताऊंगा कैसे आप लोगों को कैरेक्टर लेवल 8 कार्ड और कैरेक्टर लेवल 4 कार्ड मिलेगा, वो भी फ्री में और बिना डायमंड यूज करके, ठीक है। और साथ ही मैं बताऊंगा कि चक्री क्रेकर स्टुकन क्या करना है, इसका क्या यूज है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे कैलेंडर की तरह हमें वहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग वहाँ पे क्लिक करोगे, आप लोगों को ऑटोमेटिक यहाँ पे दिवाली इवेंट जो है वहाँ पे आ जाएगा। एक मिनट, ठीक है। इसके बाद आप लोग यहाँ देख सकते हैं क्या क्या मिलेगा, कैरेक्टर लेवल 8 कार्ड, इसके बाद आप लोगों को कैरेक्टर लेवल 4 कार्ड, इसके बाद आप लोगों को वेपन रॉयल वाउचर और सप्लाई क्रेडिट, ठीक है। तो इसको पाने के लिए आपको क्या करना होगा कि आप लोगों को वो वाला जो बोला था ना चक्री क्रेकर स्टुकन, तो वो वाला कलेक्ट करना है। आप देख सकते हैं इसको बोलते हैं चक्री क्रेकर स्टुकन। तो ये कहाँ से मिलेगा, ये आप लोगों को किसी भी मैच के अंदर मिलेगा। बस आप लोगों को कलेक्ट करना है, कुछ इस तरह आप लोगों को मैच के अंदर मिलेगा, बस आप लोगों को कलेक्ट करना है, ठीक है। किसी मैच में 5 मिलता है तो कभी कभी एक क्रेकर मिलेगा, कभी कभी 2, तो ऐसे करके आप लोगों को कलेक्ट करना है। तो आप लोगों को कैरेक्टर लेवल 8 कार्ड 30 चक्री क्रेकर टुकन्स कलेक्ट करना होगा, ठीक है। और कैरेक्टर लेवल 4 के लिए 20 और वेपन्स के लिए 10 और आप लोगों का सप्लाई क्रेडिट क्रेडिट 3, ठीक है। तो अभी ये देख सकते हैं मेरा चक्री क्रेकर ऑलरेडी 30 कलेक्ट हो चुका है, लेकिन फिर भी मेरे को कैरेक्टर लेवल 8 कार्ड नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, मैं अभी बताऊंगा। आप देख सकते हैं ये वाला चक्री कैरेक्टर 30 हो चुका है, ठीक है। तो अभी आप लोगों को क्या करना है, बस कलेक्ट करना होगा, अभी रिडीम नहीं कर सकते। रिडीम करने के लिए आपको 7 नवंबर तक वेट करना होगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 7 नवंबर टू 11 नवंबर, तो आप लोगों को डेट दिया गया है 7 नवंबर टू 11 नवंबर के अंदर ही आप लोगों को मतलब ये वाला कैरेक्टर लेवल 8 एक्सचेंज करने को मिलेगा, ठीक है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं मेरे पास 30 चक्री क्रेकर्स ऑलरेडी है, लेकिन मैं अभी भी रिडीम नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है ना भाई। तो आप लोगों को बस क्या करना होगा, 7 टू 11 नवंबर को वेट करना होगा, 7 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आप लोगों को मत सोचना कि आप लोगों को नहीं मिलेगा, आप लोगों को मिलेगा। बस आप लोगों को क्या करना होगा, 7 नवंबर तक वेट करना है, अभी बस कलेक्ट करना है। तो मैंने ऑलरेडी कलेक्ट हो चुका है, आप देख सकते हो। तो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, नॉर्मली आपको कैरेक्टर लेवल कार्ड खरीदने जाओगे तो कितना डायमंड पड़ता है। तो आप पहले इसके लिए आपको स्टोर में जाना होगा। स्टोर में जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पे, जैसे आप स्टोर पे आ जाओगे, स्टोर पे जाने के बाद आपको कैरेक्टर में क्लिक करना है, ठीक है। जैसे कैरेक्टर पे क्लिक करके आपको नीचे कुछ इस तरह दिखाई दे, वहाँ पे क्लिक करना है। वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको पहले बार बता देता हूँ कि कैरेक्टर लेवल 4, ठीक है। तो कैरेक्टर लेवल 4 परचेज करने जाओगे तो आप लोगों को मिलेगा 550 डायमंड, ठीक है ना। तो 550 डायमंड तो आपको ये नॉर्मल मतलब फ्री में मिल रहा है, तो मिस मत करना। और यहाँ ये वाला सबसे मैं बता रहा हूँ कि कैरेक्टर लेवल का, तो ये वाला परचेज करने जाओगे तो 5000 डायमंड, तो सोचो भाई कितना का टॉप अप करना पड़ेगा, मतलब बहुत सारा। तो अगर आप लोगों को ये फ्री में मिल रहा है तो मिस मत करना भाई, पूरा ओपी मतलब पूरा गारंटी के साथ परमानेंट है वो, मतलब परमानेंट नहीं है, वन टाइम यूज़ है, लेकिन मिलेगा भाई, ये गारंटी है। तो यही सब यही है इस मतलब इस वीडियो में। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना और ऐसे ही फ्रीबर्टी इस चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही जो बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल।